आज हम आपको लेक चलते हैं गोलकुंडा फोर्ट, जो कि हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद से 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह किला अपने आप में एक इतिहास है। इसकी विशाल दीवारों में आज भी उतनी मजबूती है जितनी हजारों साल पहले थी। इसे देखने के लिए हैदराबाद से ही नहीं बल्कि दूर दराज शहरों से भी लोग यहाँ आते हैं। आर्मी कैंट से होते हुए आपको गोलकुंडा फोर्ट पहुँचने के लिए यह उत्तम रास्ता है। दूर से भले ही यह किला आपको बहुत छोटा नज़र आता है, किंतु जब अंदर में इसमें प्रवेश करते हैं तो इसकी विशाल काय आकार आपको एक अद्भुत नज़ारा दिखाती है। आज मैं और मेरी टीम इसी किले की इतिहास को जानने के लिए यहाँ की यात्रा कर रहे हैं, और यह यात्रा हमने मोटरसाइकिल के द्वारा तय की है। इस गेट को पार करने के बाद कुछ ही दूरी पर यह किला स्थित है, जो कि स्थानीय मिलिट्री के शासन में यह किला सुरक्षित है। इसकी दीवारों में जो पत्थर इस्तेमाल हुए हैं वो अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक और पुराने पत्थर हैं। यह गोलकुंडा फोर्ट का मुख्य दरवाजा है, जहां से अंदर जाते ही टिकट घर से आपको एक टिकट लेना होता है, जिसकी कीमत हर भारतीय के लिए मात्र 15 रुपये है, और यही टिकट विदेशी सैलानियों के लिए 250 रुपये का है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो मिट्टी और कंकरीले पत्थरों से बना रास्ता बहुत ही फिसलन भरा हो जाता है, तब जब यहाँ बारिश हो जाए। अभी तो भगवान का शुक्र है यहाँ बारिश नहीं हो रही। ये पत्थरों से बनी सीढ़ियाँ आज भी उतनी मजबूत हैं जितनी उस समय जब ये बनाई गई थी। इसे देखने के लिए आज भी हजारों लोग यहाँ आते रहते हैं। बीच बीच में बहुत सुंदर गेट भी बने हुए हैं। इस किले पर चढ़ने के बाद आप नीचे की तरफ शहर की तरफ अगर देखते हैं तो आपको पूरा हैदराबाद लगभग यहाँ से नज़र आ जाता है। इसकी पुरानी इमारतें, खंडर हो चुके भवन आज भी यहाँ से ऊंचाई से दिखते हैं। इस किले में काफ़ी हरियाली है, जिसे देखने के लिए स्थानीय लोग खासकर रविवार को यहाँ आते हैं। पुराने पत्थरों से बना यह किला अपने आप में एक इतिहास है। इसकी विशाल दीवारें देखते ही बनती हैं। कुछ जगह जाने के लिए बहुत ही दुर्गम रास्ते हैं, यहाँ पर बहुत संभल संभल कर पांव रखना होता है, जरा सी चूक से आप चोट खा सकते हैं। परंतु जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आपकी थकान दूर होती जाती है। इसके नज़ारे ही इतने अद्भुत हैं
किले के अंदर पुरानी हरी भरी झाड़ियाँ और पत्थर इस प्रकार से लगे हैं कि जैसे किसी इतिहासकार ने इन्हें तराशा हो। कुछ जगह बहुत ही संभल कर चलना होता है। हरी भरी झाड़ियाँ देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। इन्हीं झाड़ियों को पार करने के बाद, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक प्राचीन मंदिर है जहाँ पर दर्शन के लिए श्रद्धालु भारी संख्या में आते रहते हैं। यहाँ आज भी कुछ पुरानी तोपें मौजूद हैं जिन पर लगे चिन्ह यह दर्शाते हैं कि यह एक ऐतिहासिक तोप है। उस जमाने में यह बहुत ही कमाल की तोप रही होगी। यहाँ पर भारी संख्या में प्रेमी जोड़े, परिवार के लोग इस खूबसूरती का अनुभव करने के लिए यहाँ आते रहते हैं। हैदराबाद यहाँ से बहुत छोटा नज़र आता है। ऊंची ऊंची इमारतें भी यहाँ से बहुत छोटी नज़र आती हैं। और इस खूबसूरती को लोग अपने कैमरे में कैद करना नहीं भूलते। अभी हम यहाँ पहाड़ पर बहुत ऊंचाई पर आ चुके हैं और आप जैसा देख सकते हैं यहाँ से हैदराबाद शहर बहुत ही छोटा छोटा नज़र आ रहा है। चूँकि हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं तो हमें यहाँ से निकलने का भी सोचना चाहिए, क्योंकि उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ख़ासकर तब जब मौसम भी ख़राब हो। आप देख सकते हैं आकाश में बादल हैं और बारिश कभी भी हो सकती है, तो हम निकलना चाहिए। चढ़ाई जितनी मुश्किल है, उतरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है, और ख़ासकर तब जब बारिश भी होने लगे। किंतु भगवान का शुक्र है आज बारिश नहीं है। बारिश होने पर यह पत्थरनुमा सीढ़ियाँ काफ़ी फिसलन भरी हो जाती है, जिससे आपका पैर फिसलने का भी डर रहता है। इसके बावजूद यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान आने से नहीं कतराते और इसकी खूबसूरती को देखने और निहारने दौड़े चले आते हैं। नीचे भवन में छोटी तोपनुमा एक ऐतिहासिक चीज आज भी मौजूद है, जिस पर एक खास तरह का चिन्ह देखा जा सकता है, जिससे यह प्रतीत होता है यह एक ऐतिहासिक चीज है। उस जमाने की यह बहुत ही शानदार चीज रही होगी। अंत में जब हम नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यह मुख्य दरवाजे से प्रवेश करने के बाद पहला उद्यान आता है, जहाँ पे थके हारे सैलानी, बच्चे, बूढ़े आराम कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।